हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज का जो हम लोगों का सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। ये आपका है 2021 BHU MSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस पेपर 2021 मेमोरीज बेस्ड। आपका विषय क्या है? BHU PG एंट्रेंस पेपर सॉल्यूशन 2021। जो अभी हाल ही में 2021 का पेपर हुआ है उसका सलूशन हम लोग करेंगे। क्लियर? ये कब हुआ है आपका? 28 सितंबर को। क्लियर? इसका सलूशन देखेंगे और इसमें देखेंगे पहले BHU पेपर कैसे कराता था, अब NTA करा रहा है तो किस प्रकार से क्वेश्चन करा रहा है। आप इसमें देखिए क्या रिपीटेटिव क्वेश्चन इंक्लूड हैं, तो हाँ इंक्लूड हैं इसमें रिपीटेटिव क्वेश्चन और अन्य क्वेश्चंस भी सम्मिलित हुए हैं। तो इसको आइए देखते हैं। देखने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर लीजिए। BHU ICR UP कैटेट से सभी आने वाली सूचनाओं को आप तक सर्वप्रथम पहुंचने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं। एसिड का मैच आपका किससे होना चाहिए? तो एसिड का मैच आपका CaCO3 MgCO3 से होना चाहिए। क्लियर? और अल्कली का किससे होना चाहिए? तो अल्कली का आपका राइट आंसर है CaSO4 2H2O। क्लियर? अगला प्रश्न आपका है वाटर लॉग का, इसका संबंधित किससे है? CH4 यानी मेथेन से संबंधित है। वाटर लॉग कंडीशन सॉयल से आपका CH4 मेथेन गैस निकलती है, जैसे कि आपका धान पानी भरे धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो मेथेन गैस निकलती। फिर आपका बच्चा सेलाइन, तो सेलाइन किससे संबंधित है? तो सेलाइन आपका Na4+ से संबंधित है, सोडियम 4+ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम फैट और ऑयल इज प्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या क्या दिया था? 9.3 KCL एनर्जी, किलो कैलोरी एनर्जी जिसको कहते हैं, 3.6 12 और 20। तो इसका राइट आंसर था आपका 9.3 KCL किलो कैलोरी प्रति किलो कैलोरी एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम फीचर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला ऑप्शन क्या है? प्रोफेशनलिज्म, लिंकिंग द फार्म प्लांट विथ क्रेडिट, बॉटम अप अप्रोच एंड लास्ट ऑप्शन है आपका रिसर्च एंड एक्सटेंशन शुड बी ड्राइविंग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है रिसर्च एंड एक्सटेंशन शुड बी ड्राइविंग। क्लियर? फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेवरेज इज नॉट डाइल्यूटेड बिफोर सर्विंग। तो इसका ऑप्शन क्या है? नीटा, स्क्वैश, क्रश एंड सिरप। तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्रश। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपका मैचिंग से संबंधित आ गया। तो अर्ली ए बॉल्टर, तो इसका हमने सीधे सीधे मैचिंग करा के आंसर इसका बता दिया है। अर्ली ए बॉल्टर का संबंध किससे है? बेंचरसम से। क्लियर? फिर आपका आता है अर्ली मेजॉरिटी, तो इसका राइट आंसर होगा अर्ली मेजॉरिटी का डेलिब्रेट। क्लियर? इसमें स्पेलिंग बाय मिस्टेक हो सकती है लेकिन आंसर आपका सही है। इनोवेटर्स आपका रिस्पेक्टफुल और लास्ट ऑप्शन है आपका क्वेश्चन लगार्ड्स का संबंध किससे है? ट्रेडिशनल से। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेटिव है। रिपीटेटिव किस बेस पे है? रिपीटेटिव हम किस बेस पे इसको कहेंगे? ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया था। क्वेश्चन इसमें BHU ने क्या क्या पूछा था अभी तक? इसके पहले पूछा था M9 इस वैरायटी ऑफ या रूट स्टॉक ऑफ। तो इसका क्वेश्चन देखिए क्या है? M9 द ड्वार्फिंग, यहाँ पर गलत हो गया यार, यहाँ पर नॉट नहीं होना चाहिए, इज रूट स्टॉक ऑफ एप्पल ओरिजिनेटेड बाई। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीप्लॉइडी एंड लास्ट ऑप्शन आपका था नॉन। क्लियर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? म्यूटेशन। ये M9 जो वेराइटी आपका रूटिस्टा का फेपल है, ये किससे ओरिजिनेटेड हुआ है? तो ये बाय म्यूटेशन मेथड। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन आपका आईसीआर प्री पीजी एग्जाम में पूछा गया था, ओरिजिन प्लेस ऑफ ट्यूबरोज, ये भी आपका मैचिंग में पूछा गया था। क्लियर, तो इसका पहला ऑप्शन है फ्रांस, मैक्सिको एंड थर्ड है आपका अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओरिजिन ऑफ ट्यूबरोज, मैक्सिको। क्लियर, यदि किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा हो कि ये क्वेश्चन नहीं आया था, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, क्योंकि हम आपको ये नोटिस कर दे रहे हैं कि पेपर सेट अलग अलग थे, क्वेश्चन आपका पूरा सिक्वेंस से नहीं मैच करेगा। जब सेट अलग अलग होता है तो क्वेश्चन आपके बगल वाले का 14वां क्वेश्चन है तो आपके क्वेश्चंस 88वां क्वेश्चन हो या 120वां क्वेश्चन हो, इस प्रकार से क्वेश्चन तो सेम होते हैं बट सिक्वेंस में थोड़ी बहुत डिफरेंस हो जाती है। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसलेट द बिजनेस कॉन्सेप्ट इनटू मार्केटेबल सरप्लस प्रोडक्ट्स एंड ऑफर इट टू द कस्टमर इन द फेज ऑफ, ऑप्शन क्या है आपका? आइडेंटिफिकेशन, नर्टरिंग एंड क्रिएशन, लास्ट ऑप्शन है आपका ट्रांसलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नर्टरिंग। क्लियर, अगला प्रश्न देखिए, सीक्वेंस ऑफ मिनरल्स ऑन ओरिजिन बेस। क्लियर, ओरिजिन बेस पर आपका है, तो पहला ऑप्शन इसमें ये सब पांचों मैच थे। क्लियर, तो इसमें कैसे सीक्वेंस था आपका? तो सीक्वेंस आपके अलग अलग थे, लेकिन हमने इसको बाय सीक्वेंस कर दिया है। पहला ऑप्शन हॉर्नब्लेड, अगाइट, क्वार्ट्ज, बायोटाइट एंड ओलिवाइन, इसको हमने सीक्वेंस में कर दिया है। क्लियर, एच ए क्यू बी ओ, इसको हमने सीक्वेंस में रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका एक मिस्टेक क्या था, ये उसमें पूछा गया था अन का प्रभात नहीं होता है, उसमें अन का लिखा हुआ था ANKA लिखा हुआ था, जो कि गलत था, उसमें मिस्टेक हो चुकी थी, तो इसमें मिस्टेक हमको नहीं करना है, तो उसको हमने सही करके टाइप कर दिया है। अर का प्रभात वेराइटी ऑफ, ऑप्शन है क्या आपका? गुआवा, मैंगो, पपाया और पाइन एप्पल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पपाया। अब आपको यहीं पर बता दें एक क्वेश्चन और, अर का वर्ड जो वेराइटियाँ हैं अर्का वर्ड की, ये IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बंगलुरु से रिलीज होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है, सीक्वेंस ऑफ, उसमें क्वेश्चन क्या दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ वाटर इरोजन को सीक्वेंस से आप बताइए, तो स्प्लैश और रेन ड्रॉप, स्प्लैश और रेन ड्रॉप, इससे संबंधित दो क्वेश्चन पूछा था वाटर इरोजन से, तो स्प्लैश, फिर उसका आपका फर्स्ट आपका आता है स्प्लैश, सेकेंड आपका आता है शीट, थर्ड आपका आता है रिल और फोर्थ आता है आपका गली और पांचवा आता है आपका फिफ्थ रेवाइन। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका सीक्वेंस से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्यूशेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपका क्वेश्चन रिपीटेटिव है, तो ब्यूशेनिंग जो वेराइट आपका रिलेटेड है किससे, तो आपका किससे है? राइस से। क्लियर, ओराइजा सटाइवा से आपका रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरिजिन प्लेस ऑफ ट्यूबरोज, ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया गया है टाइपिंग में, तो इसका राइट आंसर है आपका मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैरेट, गाजर का पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है, तो उसमें ऑप्शन क्या क्या था, तो उसमें ऑप्शन था अम्बेल,
अम्बिल, जिसका राइट आंसर था अम्बिल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न, फर्स्ट स्टेप ऑफ वाटर इरोजन। तो अभी हमने ऊपर सीक्वेंस से बताया था फर्स्ट स्टेप, तो हमने पूरे सीक्वेंस से बताया था, तो पहला स्टेप आपका क्या होता है, स्प्लैश। स्प्लैश उसमें क्या दिया था, उसमें स्प्लैश नहीं दिया था, उसमें लिखा था स्प्लैश आर रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप, ये पूरा कंप्लीट लिखा था। क्लियर। तो आपका ये फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ईयर ऑफ डिस्कवरी ऑफ एसेंशियल। कहने का मतलब क्या है इसका, इसको अरेंज, ये सारे जो दिए हैं इनको सीक्वेंस से आप हमको बताइए किस बेसिस पर उनके खोज के किस वर्ष के में खोज हुआ है उसके आधार पर आपको बताना है। क्लियर। तो पहला आपका क्या है, नाइट्रोजन, ये आपका सीक्वेंस से कर दिया गया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ये आपका सीक्वेंस से आंसर राइट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका मैचिंग से क्वेश्चन आपका आ गया। तो मैचिंग आपका क्या है, गुआवा किससे संबंधित है, तो गुआवा आपका डिजीज लिप ब्रॉन्जिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कस्टर्ड एप्पल का किससे संबंध है, तो ये आपका स्टोनिंग से संबंधित है। क्लियर। फिर आपका आता है परसीमोन, परसीमोन में जो डिजीज लगती है कैलिक्स एंड रॉट डिजीज लगती है। फिर आपका आता है बोरान की कमी से आंवला में इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस डिजीज क्रिएट हो जाती है। ये आपका सीक्वेंस मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका मैचिंग से संबंधित है। पहला क्वेश्चन क्या है, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, तो इसका राइट आंसर था आपका लिंसिड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, इसका संबंध किससे है, वीट से संबंधित है, गेहूं से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, लिंकेज, लिंकेज किससे प्राप्त हुआ था, तो आपका ड्रासोफिला पर रिसर्च किया गया था। फिर आपका आता है जंपिंग जीन, जंपिंग जीन किससे संबंधित, तो आपका मेज, जंपिंग जीन की खोज किसी ने किया था, तो बारबरा मैकलिनटॉक, मैकलिनटॉक ने किया था। क्लियर। और किस में किया था, तो मक्के में। ये क्वेश्चन आपका यूपी कैडेट में पूछा गया था कि जंपिंग जीन की खोज किसने किया था। अगला प्रश्न देखिए, एन एरोबिक इन्वायरमेंट ऑफ राइस सॉइल रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज नोन एज, इज नोन एज, ऑप्शन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ओलाटाइजेशन एंड अमोनिफिकेशन, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, डीनाइट्रिफिकेशन। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, पैथोजन दैट प्रोड्यूस टॉक्सिक ड्यूरिंग पैथोजेनेसिस, टॉक्सिन ड्यूरिंग पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस के समय कौन सा पैथोजन टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, तो उसमें राइट आंसर आपका आंसर था हेलमिंथोस्पोरियम का स्पीसीज, स्पीसीज इसके अलग अलग हो सकते हैं बट जीनस आपका हेलमिंथोस्पोरियम जो है सबसे ज़्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। स्पीसीज आपकी चेंज हो सकते हैं, कोई भी स्पीसीज हो बट जीनस आपका हेलमिंथोस्पोरियम होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, ललित इज इम्पॉर्टेंट कल्टीवार ऑफ गुआवा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, पैथोजन सर्वाइव इन कोलेट्रल होस्ट ड्यूरिंग द सीजन ऑफ क्रॉप सीजन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका फ्लोरिकल्चर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, गैलार्डिया बिलोंग टू फैमिली, तो इसमें राइट आंसर था आपका एस्टरेसी, ये आपका एक फ्लावर है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपका एस्टरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका रहा, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर ऑफ इरीगेशन वाटर इक्वल टू 1 लाख लीटर। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेट ऑफ विच RBI बारोज फंड फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक इज नोन एज, बैंक रेट,
रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट एंड CRR। तो इसका राइट आंसर है आपका रिपो रेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूटिलाइज इज नोन एज। इस क्वेश्चन का दो ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, एक आपका एग्रीलिक और दूसरा आपका एंथ्रोपिक। तो इसका देखिए कौन सा BHU इसका पेपर सोल्यूशन करता है, क्योंकि अलग अलग बुकों में अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। क्लियर। आपको गूगल पे कुछ और मिलेगा, बुक में कुछ और मिलेगा। तो इसके लिए ये आपका आंसर की जब आ जाएगा तो हम उसको पूरा पेपर एनालिसिस करके आपको दे देंगे। अगला प्रश्न देखिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा एंथ्रोपी। अगला प्रश्न देखिए, पोजिशन इफेक्ट इन द रिजल्ट ऑफ। पहला ऑप्शन है म्यूटेशन, डिलीशन, इन्वर्जन एंड डुप्लीकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इन्वर्जन। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन मिस्ट, फॉग एंड मिस्ट आर द फेनोमोनन अकर्स इन। ऑप्शन क्या था उसमें, ट्रोपोस्फीयर, मेजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड आइनोस्फीयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ट्रोपोस्फीयर, TSMI ऑप्शन था। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रोपोस्फीयर। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, रिप्रेजेंट ए कल्चरल प्रैक्टिस, सॉयल फ्यूमिगेशन, क्रॉप रोटेशन, प्लांट रेजिस्टेंट कल्टीवार, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। तो इसका राइट आंसर, ये आपका क्वेश्चन रिपीटेटिव है, जो इसका राइट आंसर है आपका क्रॉप रोटेशन। हमने जब BHU का पेपर सोल्यूशन करा रहे थे तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो यही क्वेश्चन आपका फिर रिपीट कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है क्रॉप रोटेशन। अगला प्रश्न देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेटिव है। जितने भी क्वेश्चन आपके रिपीटेटिव होंगे यहाँ पे मैं साइड में R करके राउंड कर दूंगा उसको। तो क्वेश्चन क्या है, ए स्टैंडर्ड ग्रोथ कर्व ऑफ द प्लांट इज बेल शेप, स्ट्रेट, पिरामिडल एंड सिग्मॉइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिग्मॉइड। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपका मैचिंग से था, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो भी बिल्कुल फैक्ट वाइज थे। क्या है पहला क्वेश्चन आपका, एडम स्मिथ ने किसका डिफिनेशन दिया था, ये अपना वेल्थ डिफिनेशन दिए थे एडम स्मिथ। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका सैमुएलसन ने ग्रोथ डिफिनेशन दिया था। फिर आपका आता है रॉबिन्सन, तो रॉबिन्सन ने स्कैरसिटी डिफिनेशन दिया था। अगला प्रश्न कौन है, प्रोफेसर जॉन मार्शल ने कौन सा डिफिनेशन दिया था, तो इन्होंने वेलफेयर डिफिनेशन दिया था। क्लियर। अब आइए अगला प्रश्न है, ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंजाई इज नोन एज उस्पोर, एस्कस, बेसिडियम, स्पोरोडाइचम। तो इसका राइट आंसर है आपका एस्कस। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, ऑन एन एवरेज फार्म पावर कैन डेवलप 0.1 हार्स पावर, 0.5 हार्स पावर, 0.75 हार्स पावर, 1 हार्स पावर। तो इसका राइट आंसर है आपका 0.75 हार्स पावर। आपको बुकों में मिलेगा 0.8 HP। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, सुटेबल टेम्परेचर फॉर मौसमी कल्टीवेशन, मौसमी की खेती करने के लिए आपका कितने डिग्री सेल्सियस होना उचित है। तो ये आपका ऑप्शन था 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, गाइनोडायोसियस कुकम्बर अप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग शुड बी डन। ऑप्शन क्या था इसमें, ये स्टेटमेंट वाइज टाइप में क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन था आपका इथेरॉल, सिल्वर नाइट्रेट, जिब्रेलिक एसिड एंड NaA, नेपथिलीन एसिडिक एसिड। तो इसका राइट आंसर था आपका ए एंड सी आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, ये राइट आंसर था। यदि ए एंड बी दिया होता तो आपका इथेरॉल एंड सिल्वर नाइट्रेट सही होता, लेकिन उसमें ऑप्शन ए एंड बी दिया ही नहीं था, ए एंड सी दिया था, बी एंड सी दिया था, डी एंड सी दिया था और ए एंड डी दिया था।
इसका राइट आंसर है आपका ए एंड सी। अगला प्रश्न देखिए, क्रॉप हैविंग सी4 फोटोसिंथेसिस पथवे, तो इसका सीक्वेंस पूछा था, उसमें दिया था 1, 5 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 5 तक, और बीच में आपका सीक्वेंस चेंज कर दिया था, तो इसको हमने सीक्वेंस वाइज रख दिया है। तो फर्स्ट पे था आपका बारले, सेकंड पे आपका ओट, थर्ड पे आपका मेज, और फोर्थ पे वीट, एंड फाइफ्थ पे शुगर केन। इसको हमने सीक्वेंस में कर दिया है। अगला प्रश्न देखिए, व्हेन एमसी इज एट लोवेस्ट देन एमपी विल बी, ऑप्शन क्या है, एमपी विल बी डिक्रीज, इंक्रीज, मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो इसका राइट आंसर है आपका इंक्रीज। क्लियर। व्हेन एमपी इज एमसी इज मार्जिनल कॉस्ट इज लोवेस्ट देन मार्केटेबल प्लस प्राइस, मार्जिनल प्राइस विल बी इंक्रीज। अगला प्रश्न देखिए, द क्लास सिस्टम द स्टेटस इज एस्क्राइब्ड, अचीव्ड, हेरिडिटरी एंड एक्वायर्ड, तो इसका राइट आंसर है आपका एस्क्राइब्ड। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, नॉन एक्सपेंडिंग सिलिकेट क्ले मिनरल, ऑप्शन फर्स्ट है इलाइट, मोंटमोरिलोनाइट, नॉन्ट्रोनाइट एंड सैपोनाइट, तो इसका राइट आंसर है आपका इलाइट, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सॉयल ऑर्डर कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन है आपका ऑक्सीसोल, मोलीसोल, वर्टिसोल एंड हिस्टोसोल, तो इसका राइट आंसर है आपका क्या है, हिस्टोसोल। क्लियर। अब अगला प्रश्न देखिए, इंटीरियर पोर्शन ऑफ डॉर्सल वेसल इज कॉल्ड एज, ऑप्शन है एरोटा, हर्ट, पल्सरी ऑर्गन एंड चैम्बर, तो इसका राइट आंसर होगा आपका एरोटा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बियॉन्ड द लीव्स जेड इक्वल टू +-1.96 इज, ऑप्शन क्या है, 5%, 95% एंड 10% एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 90%, तो इसका राइट आंसर था आपका 5%। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेटिव है। एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉयल फॉर्मेशन, क्लाइमेट, पेरेंट मटेरियल, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड रिलीफ, और लास्ट ऑप्शन है आपका टाइम, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, क्लाइमेट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका राइट आंसर दिया था, ए एंड सी। क्लियर। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, सेकेंडरी पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन, ऑप्शन क्या है, खपरा बीटल, लेसर ग्रेन बोरर एंड थर्ड ऑप्शन है एनगोमाइस, लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेकेंडरी पेस्ट स्टोर्ड ग्रेन आपका है एनगोमाइस, जबकि ये आपके खपरा बीटल और लेसर ग्रेन ये आपके प्राइमरी हैं, ये आपके प्राइमरी पेस्ट स्टोर्ड ग्रेन हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्यूडो डोमिनेंस मे बी ऑब्जर्व्ड इन हेटरोजाइगोट्स इज नोन एज डिलीशन, डुप्लीकेशन, रेसिप्रोकल, यहाँ पर होना चाहिए रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, और लास्ट ऑप्शन है आपका इन्वर्जन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा डिलीशन। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, ऑप्शन क्या है इसमें, 2,4-D, फ्लूक्लोरिन, पैराकॉर्ड एंड ग्लाइफोसेट, तो इसका राइट आंसर दो मैच कर रहे हैं, पैराकॉर्ड एंड ग्लाइफोसेट, ये आपके सेलेक्टिव टाइप के नॉन सेलेक्टिव टाइप हर्बिसाइड हैं। क्लियर। जबकि सेलेक्टिव हर्बिसाइड आपका 2,4-D और फ्लूक्लोरिन हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन आपका डबल क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि इस पे ये दोनों आपके आंसर सही हो रहे हैं, तो इसके लिए जनरल मार्किंग कर दिया जाएगा, या फिर जिसने सी और डी किया होगा उसको राइट आंसर मान करके दे दिया जाएगा, बाकी जो दो क्वेश्चन ये आपके गलत हो रहे हैं, ये आप देखिए BHU कौन सा आंसर इसमें सही करता है, आंसर के आने के बाद आपको पता चल जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, यही सेम क्वेश्चन पूछा था दो बार। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड 2,4-D, यहाँ पर बस ऑप्शन क्या चेंज किया था, उसमें फ्लूक्लोरालेन दिया था और यहाँ पर एट्राजेन दिया है। क्लियर, तो फिर आपका सेम नीचे रख दिया, तो इसको देखिए बी एच यू किस को आंसर आपका मान करके सही करता है, ये अभी क्लियर नहीं है, जबकि पैराक्वाट करेगा या ग्लाइफोसेट करेगा। अगला प्रश्न देखिए, केमिकल नेम ऑफ थाइमिन, तो इसका राइट आंसर है आपका 5-methyl uracil। क्लियर, अगला प्रश्न आपका है, द रेंज ऑफ मैट्रिक पोटेंशियल करिस्पॉन्डिंग टू सॉयल मॉइस्चर कंटेंट, ये आपका बार में दिया है, तो इसका राइट आंसर है आपका less than 1/3 bar। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ATP एंड NADPH फ्रॉम 2 glucose molecule इन फोटोसिंथेसिस, ये आपका कहने का मतलब क्या है, 2 glucose के अणु को विघटित होने से ATP और NADPH के कितने मॉलिक्यूल सिंथेसिस होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 18,12। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन से क्वेरी होगा तो आप क्वेश्चन में हमें आंसर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन अन्य हो आते होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे, हम आपको अगले वीडियो में इंक्लूड करके उसको दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल ऑफ देसी कॉटन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गॉसिपियम हिर्सुटम, गॉसिपियम बर्बाडेंस, गॉसिपियम अर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेसियम, तो इसका राइट आंसर होगा आपका गॉसिपियम अर्बोरियम एंड गॉसिपियम हर्बेसियम, इसका ऑप्शन क्या था, D&C। क्लियर, ये आपके अमेरिकन कपास और इजिप्टियन का कपास हैं, और ये दोनों आपके इंडियन कपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 graph rules स्टेट्स दैट, तो उसमें आपका दिया था पिरिमिडिन इक्वल टू प्यूरिन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यू इज एसोसिएटेड विथ वाटर इरोजन, विंड इरोजन, गली इरोजन एंड स्ट्रीम ब्रेक इरोजन, तो इसका राइट आंसर है आपका विंड इरोजन। क्लियर, अगला प्रश्न देखिए, NOR अकर्स इन द रीजन ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, टीलोमियर एंड सेंट्रोमियर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अगला प्रश्न देखिए, सेकेंडरी मिनरल्स आर, आपका पहला ऑप्शन है माइक्रोलाइन, आर्थ्रोक्लेज, जियोथाइट एंड एंथ्रोसाइट, तो इसका राइट आंसर होगा जियोथाइट। क्लियर, अगला प्रश्न देखिए, नेट कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू टोटल करेंट एसेट्स, टोटल करेंट लाइबिलिटीज, टोटल करंट असेस्ड अपॉन टोटल करंट लाइबिलिटीज, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 HP ऑफ एन इंजन इंडिकेट्स पावर ऑफ पिस्टन, पावर ऑफ फ्लाईव्हील, पावर ऑन ड्रावर एंड पावर ऑन PTO, तो इसका राइट आंसर है आपका पावर ऑन PTO। अगला प्रश्न देखिए आपका, फिर मैचिंग आ गया, अब NTA जो पेपर करा रहा है इसमें मैचिंग और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े बढ़ा दे रहे हैं, मिनिमम 5 आपका मैचिंग रख रहा है, मिनिमम 5 आपका स्टेटमेंट अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा, हेट्रोसिस आपका किस साइंटिस्ट ने सर्च किया था, तो GH Sull ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSD आपका किससे रिलेटेड है, गोल्डन से। फिर आपका आता जीन हाइपोथेसिस किसने दिया, तो HS Flor ने दिया था। फिर आपका म्यूटेशन किसने दिया, मूलर ने। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेटिव है, क्वारंटाइन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इज कंट्रोल बाय फार्मर, जबकि पिछले प्रीवियस ईयर में ये
तीन बार पूछा गया है, तो तीनों बार उसमें आंसर सही किया है कंट्रोल बाय फार्मर। उसी के बेस पे ये भी आंसर आपका सही करेगा कंट्रोल बाय फार्मर। अगला प्रश्न है आपका, कम्युनिकेशन कैन ब्रेक डाउन, कैन नॉट ब्रेक डाउन, नेवर ब्रेक डाउन, मे नॉट ब्रेक डाउन। तो इसका राइट आंसर होगा नेवर ब्रेक डाउन। कम्युनिकेशन जो है आपका कभी नहीं टूट सकता। फिर आपका अगला प्रश्न है, वाटर डेप्थ रेंज ऑफ शैलो रेनफेड लो लैंड राइस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0 to 25 सेंटीमीटर, 25 से 50, 25 to 50 सेंटीमीटर, 50 to 75 सेंटीमीटर एंड 75 to 100 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 0 to 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, डी लीफ इज एन इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिएंट स्टेटस, मैंगो, पपाया, सिट्रस एंड पाइन एप्पल। तो इसका राइट आंसर होगा पाइन एप्पल। ये क्यों, डी लीफ इज एन इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिएंट स्टेटस, इन पाइन एप्पल डिफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, ट्रांसजेनिक क्रॉप है मैक्सिमम कल्टीवेटेड इन वर्ल्ड, वह कौन सा ट्रांसजेनिक क्रॉप है जो सर्वाधिक मात्रा में पूरे विश्व में उगाई जाती है। तो ऑप्शन आपका है कॉटन, राइस, सोयाबीन एंड मिर्च। तो इसका राइट आंसर है आपका सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनुअल एवरेज पीईटी ऑफ इंडिया इज, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन पूछ रहा है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन ऑफ इंडिया इज 1199, 1770, 850 और 2530 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर है आपका 1770 mm। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, इन माइटोटिक सेल डिवीजन क्रोमेटिड सेपरेट्स ड्यूरिंग प्रोफेज, एनाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट एंड एनाफेज सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका एनाफेज फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, डीजी उजीन इज रिलेटेड टू, ये आपका जो डीजी उजीन नामक जीन पाया जाता है ये आपका राइस में पाया जाता है। क्लियर। फिर आपका दिया था नोरिन टेन जो डिजीज सॉरी प्रोटीन है, जीन है, ये आपका व्हीट में पाया जाता है। और टियोसिनेट जो प्रोटीन है आपका, इसमें मेज से संबंधित है, मेज में पाई जाती है। फिर आपका बाल्बोसम जो प्रोटीन है आपका, बार्ले में पाई जाती है या आपका एसोसिएटेड है। क्लियर। आज का सेशन यहीं पर, एक और क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन, ओनियन और आपका वैरायटी है बीटर गार्ड, ब्रिंजल और चिली की वैरायटी दिया हुआ था और उससे मैचिंग कराना था। तो मैचिंग आपका देखिए, ओनियन की जो वैरायटी अर्का बिंदु, बीटर गार्ड की वैरायटी है कनकोन तारा, फिर आपका ब्रिंजल की वैरायटी है पूसा बिंदु और नेक्स्ट और लास्ट की ऑप्शन आपका है चिली की वैरायटी है क्या, भाग्य लक्ष्मी। क्लियर। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है आप हमें फीडबैक कमेंट के माध्यम से एक ज़रूर दीजिए और साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। डोंट मिस नेक्स्ट वीडियो, सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।